بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد आज हमारी ये क्लास कुजस्ता तर्तीब के हथिबार से 94 नंबर क्लास है जिसमें आज हम इन्शाअल्लाह तआला सूरत फातिर से शुरू करेंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए सूरत फातिर। कुरान मजीद की तरतीब के अतबार से पैंतीस नंबर सूरत है ये मक्की सूरत है और जो सूरतें लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं वो पाँच सूरतें हैं जिनमें में आखिरी सूरत सूरत फ़ातर है लफ्स फातिर इसका नाम इसकी पहली आयत में आए हुए लफ्स से अलहद फ़ातिर इस वल वाल अर्श फ़ातर का लफज लिया गया है वैसे फाक से शुरू होने वाले जितने भी अरबी में वर्ब या फ़ैल हैं या काम हैं उनका माना होता है खुलना निकलना पटना फतारा फ़ारा फाला का الله فالق हब्बी والنوى، जो गुठली को फाड़ के अल्लाह तला दरमियान से दाना निकालता है फजरा जो अंधेरे को फाड़ के फ़जर निकलती है फजर कहते हैं यानी इन कहते हैं किसी चीज़ के फटने को भी फजर कहते हैं और ऐसे ही फतारा का माना होता है किसी चीज़ का खुलना और यहाँ से अल्लाह ताला मुराद ले रहा है कि ज़मीन व आसमान को अल्लाह ताला ने इस तरह करके बनाया है कि असर नौ यानी जिसका पीछे किसी के यहाँ कोई आइडिया नहीं है किसी के यहाँ पीछे जो है वो कोई उसकी मिसाल नहीं है तो अल्लाह ताला ने बगैर किसी मिसाल के बगैर किसी नमूने के अल्लाह तमीन व आसमान को बना दिया है सूरत फातर ये मक्की सूरत है और मक्की सूरतों में उमूमन बयान अल्लाह की तोहद का होता है अल्लाह ताला की तोहद के दलाइल होते हैं अल्लाह ताला क्या कर सकता है अल्लाह की कुदरत क्या है अल्लाह की शान क्या है, तो है इसके दलाइल होते ही तो हैं आख़रत का तस्करा होता है मानने वालों के लिए इनाम और ना मानने वालों के लिए अल्लाह तला की तरफ़ से अजाब का वादा होता है तो इस सूरत फ़ातर को भी अल्लाह ताला ने अपने कमालात से शुरू किया है आरुज़बिल्लाजीम बसमीम सूरत फ़ातर अल्लाह ने फरमाया है अल्हदल्ला फ़ातरवाति वर्स जामलाकती उली हतिन मसना वसिला यजीद फिलखल की माँ शाओ इन अल्लाह आलाकुल्लिशन कदीर अल्लाह ने फ़रमायामदिल्ला तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं उस हस्ती के लिए हैं, फ़ातिर समावाती वल फातिर बनाया आसमानों को और ज़मीन को बग़ैर किसी मिसाल नमूने इब्तदा अन उसी ने बनाया है वल अर्थ। के सूरत फातर के शुरू में भी अल्लाह ताला ने जब कायनात का जिक्र किया है तो फरमाया फ़ातर समावाती वर्फ़ वो अल्लाह तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमानों को इब्तिदा सिरे से बनाया है और उसी अल्लाह ने उसी जिस जात के लिए तारीफ़ें हैं उसी ने ज़मीन को भी बनाया है और जिलमला इकति रसूला वो अल्लाह जिसके लिए सब तारीफ़ें हैं वो बनाने वाला है फ़रिश्तों को अपने पैगंबर पैगाम पहुंचाने वाले मसिनचर रसूलन बर यानी पैगाम ले जाने वाले उली अजन मसना व सलासा व रुबा वो और फरिश्ते जो दो या तीन या चार परों वाले हैं दो दो परों वाले हैं, हैंसा तीन तीन परों वाले हैं रुबा चार चार परों वाले हैं अल्लाह के फ़रिश्तों के पर हैं और अपने परों से अल्लाह ताला की इस बात से ये साबित होता है कि वो फरिश्तों के भी पर हैं और वो फरिश्ते अपने परों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचते हैं यजीद व फिलख़ल की माँ या शाओ वो अल्लाह पैदा करने में इससे भी ज़्यादा करता है दो दो या तीन तीन या चार चार पर हैं तो अल्लाह ताला इससे ज़्यादा भी पैदा कर सकता है इन अल्लाह आला कल्लीश इन क़दीर बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में साबित है कि अल्लाह के, अल्ला के नबी अलैहि वसल्लम ने जबरील आसमाम को उसकी असली शक्ल में दो दफ़ा देखा है एक दफा मराज की रात में देखा है जबरी को असली शक्ल में फरमाया आप वसल्लम ने तो उसने सारे उफक यानी पूरे ऊपर वाले हिस्से को घेरे हुए था और उसके 600 सौ पर थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये अल्लाह के फरिश्ते हैं दो पर्व वाले भी हैं तीन तीन पर्व वाले भी हैं चार चार पर्व वाले भी हैं और इससे ज्यादा भी हैं अल्लाह जैसे चाहे पैदा करता है इसलिए कि अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है जो ये जात कर सकती है तमाम तारीफें उसके लिए हैं मुमसिक लहा अल्लाह ताला रहमत खोलता है लन्नासी लोगों के लिए उसे कोई बंद करने वाला और रोकने वाला नहीं होता वमा मायमसिक और जिसे वो रोकता है

और अगर सारे के सारे जमा हो जाएं तुझे नुकसान देना चाहें तो अल्लाह ताला तुझे नुकसान नहीं देना चाहता है तो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है माँ यफल لها रहमत इन फ़लाँ मुमसी من بعده وهو العزيز الحكيم इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह की इस कुदरत पे ईमान लाए अपनी जेब से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा हो अपने बैंक से ज्यादा अल्लाह पे भरोसा हो अपनी जॉब से ज्यादा अल्लाह पे भरोसा हो अल्लाह देने पे आता है तो कोई रोक नहीं सकता है और अल्लाह रोकने पे आए तो कोई दे नहीं सकता है या युन्नास ए लोगो अल्लाह आल्कुम ए लोगो अल्लाह की नेमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमतें की हैं हल हलमिन खालकन गैर अल्लाहरफ़ क्या कोई खालिक है अल्लाह के लावा पैदा करने वाला है जो आसमान से या जमीन से तुम्हें रिजक देता है नहीं लाला इला हुआ नहीं है कोई मबूद मगर वो है फन्ना तो फकून कहाँ तुम फिरे जा रहे हो कहाँ बहके जा रहे हो वो अल्लाह है जिसने इस कायनात को सब कुछ बनाया है वही राज़िक है वही खालिक है वही मालिक है वही हाजत रवा वही मुश्किल खुशा है तो कहाँ जा रहे हो कहाँ फिर रहे हो रान फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का पैगाम जब आप ये दे रहे हैं व ईकबू का फ़कत कुल रसुल अगर ये आपको जुटला रहे हैं ना इतनी तमाम बातों के बाद तो आप फिक्र ना करें परेशान ना हों आपसे पहले भी रसुलों को इसी तरह जुटलाया गया उमूर और तमाम मामला अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है इस कायनात में इलाह भी वो है और इस कायनात का रब भी वो है इलाह का माना क्या है कि बंदा जो इबादत करता है वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए करे दुआ मांगना रोना हाजत रवा अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ना रोज़ा रखना हज करना जक़ुत देना खैरात करना किसी पर एहसान करना नज़र मानना सब अल्लाह वाहद शरीक से है ये है उलोहियत और रबूबियत ये है कि देने वाला वो अकेला है जब वो रोक ले तो कोई दे नहीं सकता वो पकड़ ले तो कोई छोड़ नहीं सकता वही राज़िक है वही खालिक है वही मालिक है वो ही पालने वाला है ये उसकी रुबूबियत है वो रब भी वही है और इलाह भी वही है या युन्ना वाला हक अल्लाह का वादा बरहक है कौन सा वादा व वा इला तुरजा अल्लाह की तरफ सबने लौट के जाना है अल्लाह का वादा बरहक है तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी कहीं धोखे में ना डाल दे फ़ला तुर न दुनिया तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी यहाँ दुनिया के अंदर बड़ी ऐशो आराम और बहुत कुछ जो है वो होता है फरमाया कहीं तुम्हें ये धोखे में ना डाल दे वाला या बिल्लाहिल बिल्ला और फरमाया ना तुम्हें कहीं धोखे में डाल दे अल्लाह के बारे में अलगरो अलगर जो शैतान है शैतान भी कहीं तुम्हें धोखे में ना डाले दुनिया की जिंदगी दुनिया के जेबो जीनत यहाँ की रौनकें शैतानद बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन है फत खिजू बस उसे दुश्मन बना के ही रखो ये नहीं कि दुश्मन तो है लेकिन तुम तो उससे दोस्ती किए बैठे हो या दुश्मन तो कहते हो लेकिन उसको दुश्मन समझते नहीं हो नहीं उसे दुश्मन समझो हिस्सबहन मिन अब उस शैतान का गुरु तुम्हारे लिए चीजें मुजयन करके वसव से डाल के बुलाता है लिय ताकि हो जाए मिन अब सा जहन्नम के लोगों से असाब जहन्नम से तुम्हें बनाना चाहता है इसलिए शैतान से बचो और उस अल्लाह को मान लो जिसने इस कायनात को बनाया है अल्लादीन कफ़रु लहुम आजाब शदीद याद रख लो जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए सख्त अज़ाब है सख्त अज़ाब होगा वो दीना और जो लोग ईमान ले आए नेक आमाल करते रहे लहुम मगफ़रातन उनके लिए बहुत बड़ी मगफरत है और बहुत बड़ा अजर है लहुम मगफरा उनके लिए रब की तरफ से बख्शिश है गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा शर्त यह है दो चीज़ें हैं एक है ईमान और एक अमले साल है लहु मगफरा और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अजर है अफाम लाहू सो आमाल हसना अच्छा ये बताओ अल्लाह क्या जिस शख्स के अफमन जुइे लहू क्या अगर कोई ऐसा शख्स हो कि जुये मुजैन कर दिया गया हो उसके लिए सो आमाली उसके बुरे आमाल फरा आसन और वह उन्हें अच्छा समझता हो क्या बस जो शख्स जिसके बुरे आमाल जो हैं मुजयन कर दिए गए हों और वो उन्हें अच्छा समझता हो और वो उसमें जो है वो लगा रहा हो तो इससे बड़ा घुमराह और कौन है कि एक इंसान बुरे आमाल करता है लेकिन समझता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ उसके कभी न कभी तौबा करने का मौका मौजूद है लेकिन एक इंसान बुरे आमाल कर रहा है और उन्हें अच्छा समझता है तो इस इंसान के वापस लौटने का बहुत मुश्किल इम्कान होता है फिनल्ला युज़िल्लमैशा व्यादी मैशा बस बेशक अल्लाह ताला ताली युज़िल्लमैशा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है यानी जो लोग बुरे आमाल के तरफ चल पड़ते हैं तो अल्लाह उनको बुरे आमाल पे चला देता है और जो लोग अल्लाह से डर के हिदायत का रास्ता इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला उनको हिदायत पे चला देता है फ़ला तज़ नफसु का अईम हैसरा अल्लाह फरमाया, आप इन पर किसी तरह का कोई गम ना डालें फ़लाँ तजहब नफसु का यानी आप अपनी जान को ना ले जाएं अलईम इन पर हसरात, गम करते हुए आप अपने आप को फ़ला तदहब नफसुका हसरत इन पे हसरत करते हुए काश के ये ईमान ले आए काश के ये जहन्नम से बच जाए अब अपने आप अप को हिलाक न करें इन अल्लाह अल्लाह तला खूब जान रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है फरमाया वाहि वो अल्लाह वो है जिसने भेजा हवाओं को फतरबन वो अल्लाह हवाओं को चलाता है जो बादलों को उठाती हैं फतर सहा बादलों को उठा के वो हवाएं ले जाती हैं फसुकना इलाबल मैतन उन बादलों को जो है वो ले के जाती हैं एक ऐसी ज़मीन की तरफ जो मैत है बंजर है फाहया बिहिल और फिर उस बारिश के जरिए उस पानी के ज़रिए अल्लाह ताला उस ज़मीन को आबाद कर देता है उसके ख़राब और उसकी मौत के बाद वो ज़मीन आबाद होकर रह जाती है जैसे अल्लाह ताला पानी के ज़रिए एक बर्बाद और बंजर ज़मीन को आबाद करके एक जो है हरियाली और सब्ज़ ज़मीन बना देता है वो अल्लाह इस चीज़ पे भी क़ादिर है कि क़्यामत वाले इस बंदे को भी दोबारा उठा देगा गली नशूर इसी तरह अल्लाह ताला बंदे को उठाएगा मन कान उद्ज़्ज़्ज़्ज़्ज़्त फ़ली जमिया जो इंसान का तालिब है जो इंसान चाहता है जो इंसान मर्तबा चाहता है अल्लाह के पास फली लाज़्ज़्ज़्ज़्त जमिया याद रख लें कित बुज़र्गीतराम ये सिर्फ़ अल्लाह के पास है अल्लाह ताली ख़ुद भी अजीज़ है और अल्लाह ताली ही इज्जत का मालिक है अल्लाह ताली ख़ुद भी अजीज़ है और इज्जत सिर्फ़ अल्लाह से मिलती है ये नहीं है कि कोई इंसान कहे कि मैं अल्लाह की नाफ़रमानी करके अजीज बन जाऊँगा नहीं थोड़ी सी देर के लिए चंद एक वक्त के लिए तो समझ सकता है कि मैंने गुनाह किया और मुझे बड़ी इज्जत मिल गई लेकिन अंजाम में गुनाह करने पे और नाफ़रमानी करने पे जिल्लत मिलेगी और इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है इलैही ही यसु अलिम फरमाया फरमाया उसी अल्लाह की तरफ यसु बुलंद होते हैं अलकलिम कलिमात अ तयब पाक वलअम उहु और नेक अमल हु उनको बुलंद करता है कि अल्लाह की ज़ात की तरफ ही ये जो नेक क़लिमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अकबर, अस्तफर ला अला जितने भी इंसान के अच्छे कलिमात हैं सब अल्लाह की तरफ जाते हैं वलअम उसाल है और ये सिर्फ़ क़लिमात काफ़ी नहीं होते बल्कि जो इंसान के नेक आमाल हैं वो इनको और बुलंद करते हैं इंसान ये ना समझ ले कि मेरे अच्छी गुफ्तु वाला होना ये मेरे लिए जो है वो काफ़ी है बाकी मैं कामाल करूँ या ना करूँ बस मैं के लोगों के साथ अच्छा बोलता हूँ अच्छे क़लिमात निकालता हूँ तो यही मेरे लिए जो है वो काफ़ी है नहीं नहीं ला अला कलिमा है और इसका पूरा तब होगा इंसान के लिए जब लाला पे वो अमल भी करेगा ईमान और इस्लाम दोनों एक साथ साथ हैं एक चीज़ का नाम है और इस्लाम जिसे कहा गया है उसी के अंदर ईमान है तो अमाल के बगैर क़लिमात जो है वो उनका वो मैार नहीं है नेक आमाल उन क़लिमात को बुलंद करते हैं वल्मा यरफा सही और राज जो माना है वो वह इस आयत का यही बनता है कि नेक आमाल यफा उन कलेमात को बुलंद करते हैं या नेक आमाल को अल्लाह ताली बुलंद करता है और कलेमात को भी अल्लाह तला बुलंद करता है व लधि नेम करू न सैत जो लोग दाव लगा के फरेब लगा के तदबीरें करके चालें चल के बुराइयों के पीछे लगे रहते हैं लहुम आजाब उन शदीद उनके लिए सख्त अज़ाब होगा मकर ओला इक्का हुआ यबूर और उनका ये तदबीर उनकी ये चालें उनकी ये साजिशें यही सारी जो हैं वो बर्बाद होंगी ओला इक्का हुआ अबूर यही जो इनके बुरी चालें हैं यही बर्बाद होने वाली हैं अल्लाह ताला के लिए इज्जत है अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है जो लोग साजिशें करके किसी को जो है वो जलील की कोशिश करें जो लोग साजिशें करके किसी को बुरा बनाने की कोशिश करें तो उनकी इस तदबीर और चालों की बुनियाद पे वो कुछ नहीं कर सकते आखिर में जाके उनकी ये चालें ही बर्बाद होनी है वह खला का कुमिन तराबिन सिन नुफ़तिन सजवाजा वल्लाहु और अल्लाह वो है खाल मिन तुराबिन उस अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया है मिन नुफ़त फिर अल्लाह तला ने मट्टी के बाद तुम्हें एक नुतफ़े से बनाया है अजवाजा फिर अल्लाह ने तुम्हें जोड़ा बनाया मुख्तर यह है कि इंसान की पहली और शुरू में इब्तिदा मट्टी से हुई फिर बाकी इंसानों को अल्लाह ताली एक नुतफ़े से बनाता है और फिर बड़े होकर इंसान दो अल्लाह ताली दो इंसानों को जोड़ा बना देता है मर्द औरत को फिर अल्लाह ने फरमाए ये सब कुछ अल्लाह करने वाला है वाला तहमिलबिन अंसा और कोई भी उनसा मानस औरत है या बाकी जानवरों में कोई भी उनका मादा है यानी कोई भी मुनस जिनस है उसके पेट में जो कुछ है वो अल्लाह तूरी तरह जानता है वमा तहमील उम उन और नहीं उठाती कोई भी मुनस वाला सज़ा और नहीं रखती उसके पेट में क्या है उसने जन्म क्या दिया है वो क्या है क्या उसके बारे में तमाम तफसीलात वो अल्लाह जानता है इल्ला अलाबिल मगर अल्लाह के इल्म में है वमा वाम मर माम और नहीं उम्र दिया जाता कोई भी उम्र दिया जाने वाला यानी किसी इंसान की उम्र का ज़्यादा हो जाना वलायों का सुमन उम्री ही या किसी इंसान की उम्र जो है वो कम हो जाना किसी इंसान की उम्र कम हो जाए तो वो अलाफी किताब वो अल्लाह ताला के यहाँ एक किताब में लिखा हुआ है इन् नज़ालिकल यसीर ये अल्लाह ताला पे बहुत ही आसान है कोई मुश्किल नहीं है क्या किसी इंसान की उम्र ज़्यादा हो सकती है और क्या किसी इंसान की उम्र कम हो सकती है रसोल्ला सल्ला वसलम से कि कुछ अहादी से पता चलता है कि कुछ ऐसे आमाल हैं जिन आमाल से इंसान की उम्र लंबी हो जाती है जिनमें सर फरिस रसोल्ला सल्ला वसलम ने सिला रहमी को करार दिया है सिला रहमी जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखता है अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता है और जो गुनाहों में मुलवस रहता है अल्लाह ताला उसकी उम्र में कमी कर देता है इससे कुछ लोगों ने उम्र के अंदर बरकत होने का भी माना लिया है कि उम्र तादाद सालों में उतनी रहती है लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी के काम देखे जाएं, तो वो काम कोई इंसान इतनी उम्र में नहीं कर सकता कभी कभी हम सोचते हैं कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी कि उन्होंने कैसे कर लिया मसलन मसल इस्लाम इब्ने तैमिया उनके शागिर्द इमाम इबन रहमतुल्लाह तआला, ये ऐसी शख्सियात हैं ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जिसमें उनकी बकायदा किताब ना मिल जाए चाहे कोई तफसीर है चाहे कोई हदीस है चाहे कोई फ़िका है चाहे कोई जितने भी मसाइल हैं हर एक मसाइल में अकीदा में तफसर में हदीस में फ़िक में वरासत में सरत में तारीख़ में रिजाल में हर کتابیں पे किताबें हैं उनकी किताबों को अगर उनकी ज़िंदगी पे डिवाइड किया जाए फ़लाँ दिन को पैदा हुए और फ़लाँ दिन को फौत हुए तो मुझे अंदाज़ा है फिक्स इस वक्त तो मुझे याद नहीं कि पर डे एक दिन में तकरीबन तकरीबन पंद्रह से बीस सफात बनते हैं जो उन्होंने लिखे हैं आखिर बचपन भी है फिर इलम भी हासिल किया है तो इतना बड़ा काम कैसे कर लिया क्या ये मुमकिन है कि इतनी किताबें लिख दी उस वक़्त तो कंप्यूटर नहीं था कोई टाइप करने वाला भी नहीं था इतना कुछ लिख दिया जिसे कोई इंसान सारी ज़िंदगी पढ़ने की कोशिश करे ना जितनी ज़िंदगी उनकी है तो शायद पढ़ ना सके इतने बड़े काम कैसे कर लिए कि अल्लाह ताला टाइम में बरकत दे देता है कभी हमने सोचा है गौर किया होगा कि जब हम नमाज के लिए जाते हैं ना किसी भी नेक काम में तो पंद्रह मिनट भी लंबे हो जाते हैं और अगर कोई लोग बुराई में लगे हुए हैं ना तो आधे घंटे और घंटे का भी पता नहीं चलता और नेक काम में लगे हुए हो ना अच्छे काम में तो टाइम ही नहीं गुजरता ये एक बरकत होती है एक उसका माना यह है लंबी उम्र दिया जाने का और कम किए जाने का और ऐसा हकीकत में भी हो सकता है कि अल्लाह इस चीज पे कादिर है कि किसी की उम्र को बढ़ा दे और किसी की उम्र को कम कर दे नज़ा लिकायल अल्लाह यसीर अल्लाह पे तो कोई मुश्किल नहीं है और अल्लाह से पूछा नहीं जा सकता तो क्या ये सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है तो कैसे हो सकता है तो तकदीर में दो तरह हैं एक है तकदीर मुबरम और एक होती है तकदीर मुअल्लक तकदीर माल ये है कि अल्लाह तला ने उस बंदे के लिए लिख दिया अगर इसने ये काम किया तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी और अगर इसने ना काम किया तो इसकी उम्र नहीं बढ़ेगी अगर इसने ये अच्छे काम किया तो इसकी उम्र इतनी होगी और अगर इसने अच्छे ना किया तो इसकी उम्र इतनी नहीं होगी लेकिन इससे ऊपर एक तकदीर मुब्रम है जिसमें फिक्स पता है कि इतनी हाई इसकी होनी है और इसने ये काम करना है या इसने नहीं करना है वो भी अल्लाह को पता है अल्लाह ने राद में फरमाया है मा यशा व व किताब अल्लाह के पास असल किताब तकदीर व लौह महफूज मौजूद है और अल्लाह ताला उसमें से जो चाहे रखता है जो चाहे मिटा देता है ये भी अल्लाह ताला कर सकता है इसलिए अल्लाह ताला की जात के बारे में पूछा नहीं जा सकता कि अल्लाह तूने ये क्यों किया है इसलिए पे फरमाया वमा मरुमिन मरन वला कसुमिन उम्र ही की किताब किसी की उम्र को ज़्यादा या किसी की उम्र को कम नहीं किया जाता मगर अल्लाह के पास ये भी लिखत में है कि इसको ज्यादा करना है या इसको ज्यादा नहीं करना है इन ना यसीर ये सब कुछ अल्लाह पे आसान है वमा इस बहरान हाजाज़न फ़रातुन और अल्लाह की ज़ात तो वो जात है कि अल्लाह ताला ने दो तरिया बनाए ये मीठा है ये कड़वा है फ़रातुन का तो माना ख़ुशगवार है शायन शराब हो कि उसका पीना जो है उसका साइग है यानी आसान है इंसान के लिए सेहतमंद है और वो प्योर और ख़ालस पानी है अल्लाह ने बनाया मिलहन उ उजाज और दूसरा अल्लाह ताला ने एक कड़वा पानी बनाया मिलहन जो कि मिल्ह का माना खारी है उजाज उनका माना भी है कि अल्लाह ताला ने दूसरा खारी और कड़वा बनाया है वह मिनकुल तरिया और इस सब में से पानी चाहे कड़वा है या चाहे मीठा है इस सब में से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो लहमन तरियान कुल कुलून लहमन तरिया इन दोनों में से मछलियाँ निकाल के तुम खाते हो वह तस्तखरीजू न पानियों के अंदर से जाके जेवरात निकालते हो जवाहरात और मोती निकाल के लाते हो जिसे तुम पहनते हो वह तरल फुलका फी ही मवाखिरा, और तुम देखोगे कश्तियाँ जो है उस पानी को चीरते हुए फाड़ते हुए चलती हैं ले तब तकोमिन फजल ही ताकि अल्लाह के फ़ज़ल को तुम तलाश करो वला कम तस्कर और ताकि तुम शुक्र गुज़ार बनो ये सब कुछ उस अल्लाह ने बनाया है उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक ऐसा पानी बनाया जो मीठा है और एक ऐसा पानी बनाया जो कड़वा है ऐसे कहते हैं आसमान का पानी मीठा है और ज़मीन का पानी कड़वा है या कैसे आसमान का पानी मीठा है ये जिसको हम कहते हैं ना आसमान अरबी में इसका नाम है अस्समा। सीन को हटा दीजिए तो बाकी बन जाता है माँ और माँ उन अरबी में पानी को कहा जाता है इसलिए कुछ राय ऐसी भी है कि आसमान पे भी एक दरिया है और वो आसमान का दरिया मीठा है और ज़मीन का दरिया कड़वा है चलें उस पे हमारी समझ में नहीं आता तो कम से कम ये तो पता है कि ये जो पानी बारिशों की सूरत में ऊपर से नीचे आता है यही बारिशें जाके पहाड़ों पे बरसती हैं तो वो खालिस पानी हो के वो आसमान से आने वाला पानी बिल्कुल ख़ालस और मीठा होता है लेकिन वही पानी जब जमीन में आके मिक्स होता है तो जमीन का पानी कड़वा हो जाता है और जमीन के अंदर पानी समुंदर का पानी है या बहुत सी जगहों का पानी है तो वो कड़वा होता है अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ वीडियोस चलाई जाती हैं बार बार किसी एक जगह पे कि जहाँ एक साइड पे पानी एक दरिया का आ रहा है दूसरी साइड पे दूसरे दरिया का पानी आ रहा है और दोनों बराबर चल रहे हैं एक तरफ जो है वो साफ पानी है दूसरी तरफ मट्टी वाला पानी है और हम उसमें ये कहते हैं महाराज अलबहरे अल्तियन बना बरज़ुल्ला يبغيان दो दरिया जो है वो मिले यानी ये कहना कि ये वो वरी चीज़ है लाजिम नहीं है कि वो जो दरिया की वो जगह है उसका नाम है महाराज अलबहन और वो एक मीठा और कड़वा पानी है नहीं हो भी सकता है उस कमाले कुदरत में से वो भी हो सकता है लेकिन सिर्फ वो है ये नहीं इससे जमीन का पानी दरियाओं का पानी समुद्र का पानी ये दो पानी भी हो सकते हैं बारिश का पानी जमीन का पानी ये भी हो सकता है किसी एक जगह का मीठा पानी किसी दूसरी जगह का कड़वा पानी ये सब महानी इसमें हो सकते हैं अल्लाह ने वो भी बनाया है और अल्लाह ने ये भी बनाया है और इन सब में से एक ताज़ा मछलियाँ निकाल के खाते हैं और इन दरियाओं के नीचे ऐसे हीरे, जवाहरात और मोती होते हैं जिसे निकाल के पहना जाता है और इन्हीं दरियाओं के अंदर बड़ी बड़ियाँ कश्तियाँ पानी को फाड़ते हुए चलती हैं ताकि अपनी जाके रोज़ी तलाश करें अपना सामान पहुँचाएँ ये सब कुछ अल्लाह निज़ाम को बनाया है लाअ तशकुरून ताकि शुक्रगुजार बन जाओ जुल्लीला फिन वो अल्लाह में दाखिल करता है दाखिल करता है कमर। और उसने सूरज और चांद को मुसख़र किया है कुल्लु यजरी हर एक दौड़ रहा है चल रहा है ले अजल मुसम्मा अपने एक मुक्र वक्त के लिए मुकर टाइम के लिए

जो रात को दिन में दाखिल करके दिन को बड़ा कर देता है रात को छोटा कर देता है और वो अल्लाह दिन को रात में दाखिल करके रात को बड़ा कर देता है और दिन को छोटा कर देता है गर्मियों में और सर्दियों में कभी रात बड़ी होती है कभी दिन बड़ा होता है इसको रात को दिन में दाखिल करना और दिन को रात में दाखिल करना वो अल्लाह है उसी ने सूरज और चांद को जब करके चलाया है दौड़ रहे हैं हर एक एक वक्त मुकर तक जहां जाके सूरज और चांद रुक जाएंगे मुल्क यह है वह तुम्हारा रब जिसकी बादशाहत है और जिन्हें अल्लाह के अलावा पुकारते हो उमूमन अरबों के हाँ खाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो खजूर थी तो खजूर की जो गुठली है उसके ऊपर एक बारीक सा लिफाफा होता है और उसके जो थोड़ा सा सुराख होता है उसके अंदर एक झिल्ली बारीक सा धागा होता है उसको कतमीर कहते हैं जो बिल्कुल के जिन्हें अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो वो उस कतमीर के मालिक भी नहीं है इन तद हमलाउदाकुम इनको तुम पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते हैं वलो सम मस्तजाबुम और अगर वो सुन लें तो तुम्हारी बात को तुम्हारी बात को कोई पूरा नहीं कर सकते वो तुम्हारे किसी बात को तुम्हारी फरियाद को बिलफर सुन भी लें तो वो तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकते फरियाद को तुम्हारे उस तलब को पूरा नहीं कर सकते व्योमियामत यकफ़रून अब शिरकी कौम और क़्यामत वाले दिन जिनको तुम महबूद बनाते रहे हो वह तुम्हारे इस शर्क का इनकार करेंगे मिसल ख़बीर और ये सब बातें आपको उस अल्लाह उस खबीर की तरह कोई नहीं बता सकता है वो अल्लाह है जो आपको ये सब कुछ बता रहा है या तुम्फ़रा उलोगो तुम अल्लाह के आगे फकीर हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है फकर है तुम्हारे पास वाहनीद और अल्लाह है जो गनी है गना वाला है हमीद तारीफों वाला है या सन तुम्लफरा तुम अल्लाह की तरफ मोहताज हो कुछ नहीं है तुम्हारे पास जो कुछ देने वाला है वो अल्लाह है अल्लाहनीहमीद और अल्लाह ताला ही है जो बेन्याज तारीफों वाला जो गनी है सब कुछ उसके पास है वो चाहे तो तुम्हें जो है वो खत्म करके ले जाके तुम्हारी जगह पे दूसरी मखलूक को लेके आ जाए जाएजीज और ये अल्लाह पे कोई मुश्किल नहीं है वाला तज्र व वा तुम वजरा और याद रख लो कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी दामत वलदैन किसी एक के गुना किसी दूसरे पे नहीं डाले जा सकते हैं व इन् تدعو مثقلۃ الی حملिहा ला يحمل منه شيء अगर कोई भारी बोझ वाला अपनी तरफ बुलाए कि आके मेरा बोझ कुछ थोड़ा सा उठा लो तो ला يحمل منه شيء उसमें से कुछ भी नहीं उठाया जाएगा व लऊ काना قربا अगर चाहे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो तो कोई नहीं उठा सकेगा क्यामत के दिन बोझ इनमा बिल यक्ष बेशक यकीनन आप सिर्फ उन्हीं को डरा सकते हैं जो अपने रब को बिन देखे हुए अपने रब के सामने आजी करते हैं और रब से डरते हैं आप उनको जो है वो आगाह करें आप उनको जो है डराएं जो रब से बगैर देखे हुए डर रहे हैं वो है इन बातों को समझने वाले व आकामा और नमाज कायम करने वाले हों वमन तजक फ़ इन्नमा ये तजक अली नफसीही और जो कोई इंसान पाक होता है अपने आप को सही करता है अपना तजकिया करता है फ़िननमा य तजक अली नफसीही तो वह अपने फ़ायदे के लिए खुद ही कर रहा है वह इलामसर और अल्लाह की तरफ सपने लौट कर जाना है यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने एक क़ानून बनाया है कि मेरे गुनाह आप पे नहीं जा सकते और आपके गुनाह मेरी तरफ नहीं आ सकते इसी तरह क़ानून है कि आपकी नेकियां मेरी तरफ़ नहीं आ सकती और मेरी नेकियां आपकी तरफ़ नहीं जा सकती सिवाय सिवाय उस चीज़ के जो अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने ख़ुद बता दिया मसन उसके लिए मखसूद चीज़ें बताई, फलां फलां कंडीशन और शरात में दूसरे की तरफ से हज कर सकते हैं हज और करेगा सवाब और को मिल रहा होगा फलां फलां कंडीशन में दूसरे की तरफ से रोज़ा रख सकते हैं फौत होने वाले के लिए फ़लाँ फलां तरीके से आप चीज़ खर्च करके वह औलाद उसके लिए सदगा जारिया कर सकते हैं ये चीज़ें बता दी लेकिन इसके अलावा कोई इंसान ये सोच ले कि जा तू कत्ल कर दे तेरा गुनाह मेरे जिम्मे ऐसा नहीं हो सकता या कोई इंसान ये कहे कि कुरान मजीद मैं पढ़ता हूँ और नीयत कर रहा हूं कि मेरा पढ़ा हुआ कुरान मजीद का सवाब मेरे वालदेन को या फ़लां को मिल जाए तो ये जायज़ नहीं है नहीं पहुंचता सवाब मैं सुबहान अल्लाह कह दूँ ला इल्लल्लाह पढ़ लूँ या दो रकन नफल पढ़ लूं, या मैं दुरुषी पढ़ लूं और कहूं कि इसका सवाब फला को मिल जाए ये कानून नहीं है वाला तजर वहात वन तजामा तजारी नफसीही वाहमसर कोई बोझ नहीं उठाएगा और अगर कोई बोझ वाला बुलाएगा तो कोई उसके लिए नहीं उठाएगा ये जो रवाज बन गया हुआ है कि फौत होने वाले के लिए दस क़ुरान बीस कुरान बीस सिपारे बीस सूरत यासीने पढ़ के बख्श रहे हैं ये सिर्फ रवाज है और दिलों को इत्मीनान दिलाने की बात है हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है हाँ हम अपने फ़ौत होने वाले के लिए दुआएं कर सकते हैं उनकी तरफ़ से जो इजाज़त है सदक़ा जारिया कर सकते हैं कि उनकी तरफ से माली इबादात में से कोई ऐसी चीज़ कर दी जाए कि माल खर्च करके कोई उनके लिए सदक़ा जारिया कर दे जिस चीज़ से लोग फ़ायदा उठाते रहें और उसका सवाब मिलता रहे इस कैटेगरी में परमिशन और इजाज़त दी गई है पढ़ने में नमाज़ पढ़ने में कोई और चीज़ पढ़ के बख्शने में परमिशन और इजाज़त नहीं दी गई है इसलिए फर्क है उसका कयास इस पर नहीं करेंगे और इसका कयास उस पर नहीं करेंगे फ़लां की तरफ से फलाका किया गया है तो इसलिए हम चूंके फ़लां की तरफ से पढ़ भी सकते हैं तो कयास नहीं चलता वह सली इंसानी इंसान को सिर्फ वह मिलेगा जो उसने खुद किया और अपनी कमाई को आगे जाके देखेगा अगर मैं कहूं ला इला और मैं ये बोल दूं ला इला, के अल्लाह मेरे इस ला इलाह इला ला का अजर सवाब फ़िराउन को पहुंचा दे तो क्या पहुंच के वो मुसलमान होके जो आ जाएगा उसका अजाब हट जाएगा नहीं नहीं इसलिए ऐसी कहानियां और किस्से के अगर आप सत्तर हजार दफा ला इला, इला ला पढ़ के निसाब बना लो तो आपको कुछ नहीं होगा और यही अगर आप किसी को बख्श दोगे तो उसको जहन्नम से बचा लिया जाएगा ये सब के सब बनाई हुई इंसानों की बातें हैं इंसान अपने तौर पे जो पढ़ सकता है पढ़े लेकिन सत्तर हजार की फिगर या दूसरे के लिए पढ़ने की बात ऐसी कोई चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद नहीं है आगे अल्लाह फरमाया वमा यस्तवीमाबीर तो अल्लाह ने फरमाया कि अंधा और बीना दोनों बराबर नहीं होते हैं एक इंसान नेकी पे चलने वाला और एक इंसान बुराई पे चलने वाला दोनों बराबर नहीं है वल्ल मात वलन नूर और अंधेरे और रोशनियाँ बराबर नहीं होती हैं मुसलमान और काफिर बराबर नहीं होते हैं अल्लाह तला हमेशा अंधेरे को मात को जमा के साथ लाया जाता है और नूर को मुफरत लाया जाता है जुल्म नहीं जुलूमत इसलिए कि बुराइयों के रास्ते बहुत सारे हैं और नेकी का रास्ता एक होता है उसमें दो या चार या दस रास्ते नहीं होते वो एक होता है ये ओमात और अंधेरे जो कि मानवी तौर पे कुरान मजीद में ज्यादातर ओमात मानवी अपने ए, मजाजी माने में इस्तेमाल हुआ है यानी उसका असली माना हंधेरा है ठीक है और नूर का असली माना रोशनी है तो अंधेरा और रोशनी ये अपने ओरिजिनल माने की बजाय अपने मजाजी माने में लमात गुनाहों के माने में जलालत और गुमराही के माने में और नूर हिदायत और अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते के माने में इस्तेमाल हुआ है अल्लाह ने फरमाया ये दोनों बराबर नहीं है जैसे बीना और नाबीना बराबर नहीं है तो अंधेरे और रोशनियाँ भी बराबर नहीं हैं वल हरूर और ना ही साया और धूप एक दूसरे के बराबर है वमा अमवात और ना ही मुर्दे और जिंदे आपस में बराबर मैश अल्लाह तुस्मऊ सुनाता है मैश जिसे चाहता है वमा अंता और नहीं है आप भी मुस्म सुनाने वाले फिल कबूर उनको जो कब्रों में है अल्लाह ताला जिसे चाहे सुनाता है जो चाहे सुना अल्लाह ताला तो पत्थर को सुना सकता है किसी चीज़ को सुना चाहे सुना सकता है लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए क्यामत तक आने वाले मुखातबीन आप कब्रों वालों को कुछ नहीं सुना सकते वमा अंत तब मन मनफुल कबूर याद रख लें कि आयत का जो सियाको सबाक है वो इस माने में है कि अल्लाह ताला बता रहा है कि कुफ़र और शिरक बराबर नहीं है जैसे मानने वाले और ना मानने वाले ये भी बराबर नहीं है, जिस तरह के नबीना और बीना बराबर नहीं होता अंधेरे और रोशनियाँ बराबर नहीं होती हैं जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं होते वैसे ही मुसलमान और काफ़र भी बराबर नहीं है अब इसमें मिसाल में बात चलते हुए अल्लाह ताला ने बता दिया कि किबर में मुर्दे को कुछ नहीं सुनाया जा सकता तो ये काफिर उन मुर्दों की तरह है आयात का स्याक सबाक ये है लेकिन सिमनन एक बात भी बता दी गई और वो ये है कि मुर्दों को कुछ नहीं सुनाया जा सकता सूरत फातर की आयत नंबर ट्वेंटी टू पे हम पहुंचे हुए हैं जिसमें अल्लाह तला ने यह फरमाया है वमा अन तभी मुन मनफुल आप कब्रों को कुछ नहीं सुना सकते तो एक कायदा और असूल ये है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं अब हदीस में आता है कि रसोल्हसम ने फरमाया जब मुर्दे को दफ़न किया जाता है तो दफ़न करने के बाद दफन करने वाले जब वापस जा रहे होते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आहट ठक 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 जो आहट है वो सुन रहा होता है जंगे बदर में मरने वाले काफरों को उठा के एक गड़े में फेंक दिया था गड़े पे या उस कुएं पे खड़े होके आवाज लगा के मुर्दों को कहा था हल वजह तुम मा वादा हक्का ओ तुम्हारे ने बातला ने जो तुमसे वादे किए थे क्या तुमने हक पाया है नहीं हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा किया है पूछा गया क्या ये मुर्दे सुन रहे हैं इस तरह करके कुछ और वाकयात भी हैं तो क्या हम इनसे दलील लें कि मुर्दे सुनते हैं नहीं याद रख लें कि एक चीज़ होती है आम और एक होती है ख़ास आम को दलील बना के खास को नहीं बदला जाता और ख़ास को दलील बना के आम को नहीं बदला जाता क्या मतलब मैं एक मिसाल से समझाता हूँ अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरत दाहर उनतीसवें सिपारे में इन्ना खलक नल इंसान अमिन नुफ़तिन अमशा जिन नब तली ही ही फ़जालना समिया बसीरा हमने इंसान को एक नुतफ़े से बनाया है और उसे समियान और बशीरा बनाया है सुनने वाला देखने वाला अब वहाँ पे अल्लाह ने इंसान को बनाया सब इंसानों को हमने एक नुतफ़े से बनाया है ना खलक नल इंसान अलसान तो कोई इंसान यहां पे एतराज कर दे कि आदम सलाम किस नुतफे से बनाए गए थे या तो बोलो वो इंसान नहीं थे और अगर इंसान है तो ये आयत तो आम है आम है सब के लिए है तो आदम किसके किस नुतफे से बनाए गए हजरत ईसा आलाम किसके नुतफे से बनाए गए तो हम उसका जवाब ये देंगे कि आदम और ईसीम ये ख़ास हैं उनके लिए क़र मजीद में अलग से दलील आ गई है कि अल्लाह ताला ने तदम आलाम को बराह रास्त मट्टी से पैदा किया और ईसी को अल्लाह ने बग़ैर बाप के बनाया वो दोनों ख़ास हैं अब अगर कोई इंसान कहे कि आदम चूंकि मट्टी से बने हैं तो और कोई इंसान मट्टी से क्यों नहीं बन सकता तो उसको पकड़ के ख़ास को पकड़ के आम को नहीं बदला जाता और आम बात को पकड़ के ख़ास को नहीं बदला जाता ये एक यानी लुत के या मनत के या उसूली उसूल के दो कानून हैं अलाम वासमलकमकैत और यह अलमुजमन अलमफसल दोनों हर एक की अपनी अपनी तफासिल हैं मैं सिर्फ यहाँ पर करना चाहता हूँ अब आम बात यह है कि आप मुर्दों को कुछ नहीं सुना सकते कानून ये है। जैसे कि कानून ये है कि इंसान को अल्लाह ने एक नुतवे से बनाता है लेकिन आदम और ईसा के लिए खास दलील मौजूद है इसी तरह मुर्दे नहीं सुनते यह आम बात है हाँ उसमें से खास अलग से दलील आ गई कि जब उसको दफन किया जाता है तो उसकी आहट सुन रहा होता है जो सिर्फ आहट सुन रहा होता यह नहीं कि जब आहट सुनता है तो फिर बातें भी सुनता होगा जब बातें सुनता है तो फिर उनकी दुआएं भी सुनता होगा जब उनकी दुआएं सुनता है तो उनकी सफारिश भी करता होगा ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ आहट मुर्दे को सुनाई जाती है ताकि उसको ये एहसास हो कि जो मुझे दफन करने आए थे वो भी वापस चले गए अब अकेला तने तनहा उस कब्र में है वो कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है यह जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है इसलिए इन दो चीजों को अलग अलग रखना है उसको बना दलील बना के उसको नहीं खत्म करना या उसको दलील बना के उसको नहीं खत्म करना हर चीज आम और खास अपनी अपनी जगह पे अलग चलती है तो अल्लाह ताला कहा वमा तभी मुस्मैन मनफिल खबोर आप कब्रों वालों को कुछ नहीं सुना सकते ये स्याक चल रहा है जैसे मैंने बताया है यानी कलाम का कॉन्टेक्ट उसका जो है वो आगे पीछे की बात यही चल रही है कुफ़र के बारे में कि कुफ़र और इस्लाम कभी बराबर नहीं है लेकिन जमनन अल्लाह ताला ने तफ़रों को मुर्दों के साथ तशबी दी जिस तरह मुर्दे नहीं सुनते हैं इसी तरह ये काफिर भी कुछ नहीं सुनते हैं लोग जो है इस मुर्दे के सुनने के लिए कुछ और दलाइल भी दे देते दे, हैं दे, दे, मिसाल के तौर पर जब हम कब्रस्तान में जाते हैं तो वहाँ दुआ पढ़ते हैं अलैकुम या आहलबूर या आहलकबूर हम बोल रहे होते हैं अच्छा मुखातिब करने से क्या हम कहते हैं सारे सुन रहे होते हैं अच्छा मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ एक इंसान किसी मजलिस में जाता है किसी मस्जिद में मिसाल मस्जिद का बड़ा सारा हॉल है जिसमें कोई 500 लोग बैठे हुए हैं और वो मस्जिद में दाखिल होकर बोलता है वालेकुम क्या उस मस्जिद के सारे लोग सुन लेते हैं क्या मस्जिद के किनारे किनारे तक उसकी आवाज पहुंच जाती है नहीं पहुंचती लेकिन उसका एक बंदे अभी सुन लेता है और उसका सलाम का जवाब दे देता है तो वो जो उसने सलाम किया जो दुआ दी है वो सब लोगों तक पहुंच जाती है वसल्लम ने फरमाया अगर किसी मजलिस में से एक बंदा भी जवाब दे दे तो सबकी तरफ से जवाब हो जाता है तो सलाम कहने वाला का सलाम वो बीस फुट आगे इंसान तक नहीं पहुंची आवाज लेकिन आगे वाले पे इसकी सलामती की दुआ जो माना है वो पहुंच चुका है ऐसा होता है जी हाँ हो सकता है तो अब इस बात से समझ लीजिए कि जो असला कबूर है इसका मतलब नहीं है कि हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है नहीं यह अरब के अंदर एक मुहावरा पाया जाता है कि आप किसी को भी मुखातिब करके उसको दुआ दे सकते हैं किसी को भी मुखातिब करने से लाजिम नहीं आता कि आगे वाला सुन रहा है पहाड़ सुनते हैं अल्लाह ताला जिसे क्या सुना सकता है लेकिन पहाड़ सुनते तो नहीं है ना अल्लाह अल्ला ने फरमाया है या जिबालू अवी बी माऊ व तिर लहुल हदीद दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए या जिबालू या जिबालू ए पहाड़ो तो कभी किसी ने कानून बना दिया है कि पहाड़ सुनते हैं नहीं कोई कानून नहीं बनाएगा अल्लाह तला अल्ला तो चाहे सुना सकता है ना हुक्म दे सकता है लेकिन या मुखातिब करने से कानून नहीं बन गया कि वो सुनते हैं इस तरह करके या अरबी जबान में ख़िताब के लिए है सीमात के लिए नहीं है वो पीछे एक हदीस है सही बुखारी में यूषा बिन नून अल्लाह के नबी हैं वो जंग कर रहे थे तो सूरज को मुख़ातिब करके कहा इनक माह मोरतु ना मामोर अल्लाह महबिस ऐ सूरज तू भी अल्लाह के हुक्म का ताबे है और मैं भी अल्लाह के हुक्म का ताबे हूँ और अल्लाह से कहा अल्लाह इस सूरज को रोक दे तो अल्लाह ने सूरज को रोक दिया था यह हदीस सही है उन्होंने सूरज को मुखातिब करके कहा तो क्या ये खिताब उस सूरज को आवाज़ सुन रही थी नहीं ये दुआ उन्होंने अल्लाह ताला से की थी इसलिए अरबी जबान में या से मुखातिब करने से आगे वाले का सुनना लाजिम नहीं आता है

तो क्या दुनिया जहान के सारे नेक बंदे क्या बंदों पे उसकी आवाज़ और उसका सलाम पहुंच रहा होता है जी हाँ वो दुआ पहुंच देती है लेकिन आवाज़ का पहुंचना ये नहीं पहुंच रहा होता तो इस मुखातिब करने में आगे वाले का सुनना लाजिम नहीं है जबकि दूसरी तरफ दलील मौजूद है अच्छा अगर वमा अंतब तब मुस्मैन मनफिलकबूर और इकलास्मता कुरान मजीद की आयात ना होती तो हम कह सकते थे कि या कबूर कहने से असलम नबी कहने से हो सकता है वो सुन रहे हैं लेकिन जब इस या के अंदर सुनना लाजिम नहीं है तो कुरान का वमा वमां तभी फिल कबूर को भी छोड़ देते हैं और इन्ना कला तस्मता को भी छोड़ देते हैं और या की दलील पकड़ ली जाती है क्या यह करना जायज है हर एक दलील को अपने एक होता है और अकीदा जो इंसान का नजरिया है इसके बारे में इंसान को एक कवि दलील चाहिए होती है सिर्फ इस्तेम की हुई दलीलें मैं यह समझता हूं इसका मतलब यह हुआ इससे नजरिया नहीं बनता है जब कुरान मजीद अपने ठोस माने में वमा तबी मुस्मिन मनफुल कबूर और इन्ना का लात उसमें उलमोता आप मुर्दों को कुछ नहीं सुना सकते इतना पुख्ता करके बोल दिया गया तो फिर या से दलील लेना और अयोहा से दलील लेना यह जायज नहीं है सिर्फ उसका माना यह है कि ए जब हम किसी को मुखातब करते हैं ना असलाम तो हम उसका माना ये ले रहे होते हैं कि ए अल्लाह इन पे सलामती कर दे तो उन मुर्दों को मुखातिब करके जब बोला जाता है तो माना यह लिया जाता है कि ए अल्लाह इस कब्र वालों को इन कब्र वालों पर सलामती कर दे सुनना उसमें कोई मकसद नहीं है आगे अल्लाह फरमाया इन अला नज़ीर ए नबी सल्म आप सिर्फ और सिर्फ नज़ीर डराने वाले हैं आप मबूद नहीं हैं इला नहीं हैं आप खालिक नहीं हैं आप हाजत रवा नहीं हैं आप सिर्फ और सिर्फ नज़ीर डराने वाले हैं इन्ना अरसलना का कबिल हक़ की बशीरा व नजीरा हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के भेजा है वह इमिन उम्मत खलाफिया और कोई ऐसी उम्मत नहीं गुजरी है मगर उस उम्मत के अंदर अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई पैगाम पहुँचाने वाला डराने वाला अल्लाह का पैगाम जरूर पहुंचता है वजीबों का फकत कजबीना जाम रसुलम बिल्बय व बिल जुबरी विल किताबिलमिर व इगर इस सब कुछ के बावजूद फिर भी आपको जुठलाते हैं तो वक़द कब्लकबली इनसे पहले लोग भी ऐसे जुठला चुके हैं आप परेशान ना हों हम बिल बिलबियनाथ उनके रसूल उनके पास वाज दलीलें लेके आए बेजुबर शहीफ़े और किताबें लेके आए रोशन किताबें लेके आए मौज ज़बूर का माना मोजात भी किए गए हैं बैनात के माना भी मौजाद किए गए हैं कि बैनात से मुराद मौज से से मुराद सहीफ़े और किताब मुनिर से मुराद रोशन किताबें वाज किताबें उनकी तरफ भेजी गईं लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वह जुटलायादीन कफ़रु फिर अल्लाह ने फरमाया फिर मैंने काफ़रों को पकड़ा फ़की फ़कान नकर बस कैसे था तेरे रब की पकड़ तेरे रब का पकड़ना बहुत सख्त था सुम्मा अखज़ तो कफरो तो फिर अल्लाह की पकड़ कैसी हुई ऐसी सख्त हुई कि दोबारा वो लौट करना है अलम क्या जानते नहीं हैं अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा है फाख रजना भी समारात मुख्तलिफा अलवान हम उस पानी के ज़रिए फलों को निकालते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ़ होते हैं अल्लाह ताला ये बता रहा है कि ए नबी अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हों जैसे एक ही पानी से मुख्तलिफ फल बनते हैं एक ही पहाड़ के कुछ जो है वो किसी रंग का हिस्सा कोई किसी का हिस्सा कोई सयाह हिस्से होते हैं और लोगों के रंग भी मुख्तलिफ़ होते हैं इसलिए परेशान ना हो अगर कुछ लोग नहीं मान रहे तो अल्लाह तौ पकने वाला है आपकी जिम्मेदारी पहुँचा देना है आप परेशान ना अलम होल तरह अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया भी ही फिरात हमने उसके जरिए फल निकाले मुख्तलिफ़न अलवान हो जिनके रंग मुख्तलिफ हैं मिनल ज़िबाल और पहाड़ों से भी उसके जो है विनल जिबाली जुदादी मुख्तलि अलवान और पहाड़ों के भी मुख्तलिफ हिस्से जुदत उसके हिस्से बीज उन सफ़ैद हमर लाल यानी सुरख मुख्तलिफ मुख्तलिहा और पहाड़ों के भी मुख्तलिफ हिस्से कुछ सफ़ेद होते हैं कुछ सुरख होते हैं सबके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वह गराबी वसूद और कुछ ऐसे स्या गहरे स्या हिस्से होते हैं व मिननासी और लोगों से भी ववाब और छुपाओ में से भी यानी यानि दवाब दूसरे जानवर जितने हैं जानदार वल वलनाम और चुपए चार पाँव पे चलने वाले इन सब के मुख्तलि अल्लाह ताली जिस तरह चाहे जिसको बना देता है अगर कुछ लोग मानने वाले हैं और नहीं मानने वाले बन रहे हैं तो अल्लाह तला सबको जानता है इस कायनात को अल्लाह ताला ने हर तरह के रंगो बरंग से बनाया है कुछ मानने वाले हैं और कुछ नहीं भी मानने वाले हैं तो अल्लाह ताला उनको ख़ूब जान रहा है इन्नमा यक्षल्लाह इनमा यक्षबाद सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह से वो लोग डरते हैं उसके बंदों में से अल अलौलाऊ जो होते हैं जो, होते हैं जो आलिम होते हैं वो ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले होते हैं इन अज़ीज़न गफ़फ़ूर बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ गालिब भी है और अल्लाह तालफ़ करने वाला भी है आगे अल्लाह ने फरमाया अल्ला फ़रमायादिन किताब अल्लाह व आकाला था व अनफ़ु मम्मा रज़ ना व सर रन तिजारत लन तबूर बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रज़क में से थोड़ा या ज़्यादा में से ख़र्च करते हैं व अन फ़ु मम्मा रजक़ ना हम सिर व अलानिया सर जाहिर और पोशीदा हर तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे होते हैं छुपा के भी दिखा कर भी ताकि दूसरों को तरगीब हो जाए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कीजा और तबूर वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखे हुए हैं ऐसा जो है वो सौदा कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगा जो कभी खसारे में नहीं जाए जो लोग अल्लाह की किताब का तिलावत करते हैं नमाज कायम करते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं हर तरह ये ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कभी खसारा नहीं होगा लियो अफीम व जोरा हम ताकि अल्लाह उनके अजर और सवाब को पूरा पूरा करके दे व यजीद अम बिन फजली और अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें जो है वह और फरमाए इन गफूर शकूर बेशक अल्लाह ताली गफ़ूर और शकूर है बेशक अल्लाह ताला ताफ़ करने वाला है और क़दरदान है शकूर का माना कि अल्लाह ताला दूसरे लोगों की क़दर करने वाला है उनके थोड़े आमाल को भी अल्लाह ताला ज़्यादा करता है वलधिहैन अली का मिनल्किताब ए नबी वसल्लम जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं इस किताब से हुक मुसदा बने दही वही हक है मुसद कलीमा बी ने जो पहली किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है इन बे इबाद ही बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पे पूरी तरह खबर रखने वाला है फिर अल्लाह ने फरमाया फरमायाबादी ये आयत जब पढ़ते हैं ना तो इस आयत पे अल्लाह का शुक्र भी होता है और अल्लाह ताला की कुदरत भी होती है अल्लाह ने यह बताया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने सबकी तरफ जो किताब नाजिल की है वो हक है और फिर इस किताब के वारिस कौन बनाए हैं आपके बाद ये किन लोगों को किताब दी जा रही है ثم الكتاب الذي और من عبادنا हम इस किताब के वारिस उन लोगों को बनाते हैं जिन्हें हम अपने दूसरे बंदों में से चुन लेते हैं इसलिए शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपनी किताब के लिए चुन लिया है अल्लाह ताला जिन लोगों को इस किताब का वारिस बनाते हैं उन लोगों को बनाते हैं जिन्हें अल्लाह दूसरे बंदों में से चुन लेते हैं रसोल सदीस है ना कि मैं बेही युफीन अल्लाह जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करता है अल्लाह उसको दीन में समझ अदा फरमाता है तो अल्लाह तला अपनी किताब के लिए चुन लेना ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने दूसरों को छोड़ के हमें चुन लिया अच्छा हमें चुन तो लिया अल्लाह तला ने अल्लाह का इंतबाब तो हो गया फिर हम कैसे हैं क्या हम सौ फ़ीसद अल्लाह की बात मान रहे हैं अल्लाह ने फरमाया जिनको हमने अपनी इस किताब के लिए चुन लिया वालमिनफसी इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ाल होते हैं यानी गुनहगार भी होते हैं गुनाह करने वाले भी होते हैं वमिन हम और कुछ ऐसे होते हैं जो बराबर बराबर चल रहे होते हैं ना गुनाहों की तरफ ज्यादा ना नेकियों की तरफ ज्यादा बिल खैरा बेजन और तीसरा ग्रोह उनमें से जो नेकियों में खैरात में अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ रहा होता है साबिक दौड़ रहा होता है जाली का फज़लुल कबीर ये सबकत लेके जाने वाले ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होता है अदनी असाविरा तो आदनी अब अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया जन्नत हमेशा वाली जन्नत आदन यद ये दाखिल होंगे कौन से सबक उम बिल खैरत या जालिमुल नफसी ही या मुख्त कोई फ़र्क नहीं किया गोया कि जिन्हें अल्लाह ने अपनी किताब के लिए चुन लिया इस तफ़ीना मिन इबादीना उनमें से कुछ गुनहार हैं कुछ जो हैं वो बराबर बराबर हैं कुछ नेकियों में बढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह ने किताब के लिए चुन लिया है तो जन्नत अदन में सारे के सारे दाखिल होंगे गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह से तौबा भी कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर बराबर चल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नेकियों में खैरात में बढ़ रहे हैं वो उनकी नकियाँ बहुत ज़्यादा हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं लेकिन ये अगली आयत अगर एक ऐसी आयत है जिसको सोने के पानी से भी लिखा जाए तो शायद इसका हक न अदा हो अल्लाह ने फरमाया जन्नत है हमेशा वाली जिसमें सारे दाखिल होंगे जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है अपनी किताब के लिए यूहल्लो नफीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वहाँ इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे वलुआ और मोतियों के व लिबास हम फीहा हरीर और इनका वहाँ पे जन्नत में लिबास होगा रेशम का वकालुल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न जन्नत में जाने के बाद रब का शुक्र करते हुए कहेंगे तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे हज़न और तकलीफ़ को दूर किया इन्ना रब्बा ना लगा शकूर बेशक हमारा रब ही है जो माफ़ करने वाला है और कदर करने वाला है ना दारकामती मिन फजली वो अल्लाह जिसने हमें इस इस जगह पे अपने फजलो करम से ठहराया है अल्लाधी अल्लना जिसने हमें अपने फ़जल से हमेशा रहने वाला ये मकाम ता फरमाया है दारकामा मिनफली ला या मसूना फ़ीहा न यहाँ पे हमें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी वा या मसूना फ़ीहा लगूब और यहाँ किसी तरह की भी कोई बुरी बात कोई गलत बात कोई लगूब कोई सख्ती कुछ नहीं पहुँचेगी अल्लाह ने हमें ठहराया है ये हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने किताब का वारिस बनाया दूसरे वो लोग व कफ़रू लहुम नार व जहन्नम जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए जहन्नम की आग है लायुक़ा अलैहिम तो जहन्नम में जाने के बाद ये भी नहीं होगा कि चले मौत आ जाए लाखा अलैहिम उनकी कज़ा आएगी ही नहीं उनके ऊपर मौत ही नहीं होगी फ़यमो तो वलाफ्फानज़ाबी हा और जहन्नम का अज़ाब भी उनसे हल्का नहीं किया जाएगा कदाली का नजीकुल्ला कफूर फरमाए इस तरह करके हम इस तरह करके हम सजा देते हैं हर न शकर को हर काफिर को हम इस तरह करके जो है वो सजा देते हैं वह हम यशतर खो नफी हा और वह उस जहन्नम में चीख रहे होंगे यशतरे नफीहा चीख के कह रहे होंगे रब्बा ना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल् लजी कुन्ना नअमल ए हमारे रब हमें यहाँ से निकाल दे हम अब नेक आमाल करेंगे जो पहले हम नहीं करते थे नअमल सालिहन गैरल् लजी अलावा उसके जो हम पहले करते थे आगे से जवाब मिलेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतजक्कर फही मन तजक्कर क्या तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी गई थी कि जिसमें कोई नसीहत लेने वाला नसीहत ले सकता है क्या तुम्हें इतने साल जिंदगी नहीं दी गई थी कि तुम समझ सको समझने के लिए बहुत बड़ी जिंदगी थी और तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे फजूको फमाल चखो अल्लाह के इस अजाब को जालमो के लिए आज कोई मददगार नहीं है इन आलम गई बस समावा तिबल अर्ज अल्लाह वात है जो ज़मीन व आसमान की हर गैब और पोशीदा को जानता है इन् नलीम बिदात सदूर याद रख लो वो अल्लाह ताली जो कुछ सीनों में है बेशक उसको भी जानता है जा ख़लाफ फिलर्जी उस अल्लाह ने उसी ने जालकुम बनाया तुम्हें खलाफिल ज़मीन में एक दूसरे के बाद आ रहे हो याद रख लो एक दूसरे के बाद ज़मीन में आ रहे हो फमन कफ़राफ़ा फराफा अलह ही कुफर हो जिसने कुफर किया उसका कुफ़र उसी पर है उसके कुफर का वबाल उसी पे है वला यजीदुलकाफरीन कुफ्र हम इंदर अब मकता और काफ्रों के लिए उनका कुफ़र उनके रब के हां सिवाय खसारे के और नुकसान के सिवाय उनकी नाराज़गी के अल्लाह की नाराज़गी के अलावा और कुछ नहीं है वला यजीदुल काफरीन कुफरुहुम इल्ला खसारा और काफरों का उनका कुफर इस खसारे और घाटे के अलावा और कोई उन्हें फ़ायदा नहीं देगा قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل فرمادو فرمائیے ان سے آؤ دکھاؤ اپنے ان जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो अरूनी मादा खलको मिनल अर्ज जरा दिखाओ उन्होंने जमीन पे क्या पैदा किया है अमला शिरकों फिर समावत या आसमान में भी उनका कोई हिस्सा है जरा आओ दिखाओ अम आतेना हम किताबन फहम आला बना मिन हो या हमने उनकी त... उनको कोई परमिशन लेटर दे रखा है कोई उन्हें जो है वो किताब दे रखी है जिसकी वो दलील पे कायम हैं सर आप बताओ तो सही उनके पास क्या है बल्कि يعذ الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا बल्कि बात यह है कि ये zalim एक दूसरे को धोखे के अलावा और कुछ नहीं दे रहे इल्ला غرورا धोखा है जो दे रहे हैं ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا الله की जात वो है जो इस आसमानों को और ज़मीन को थामे हुए है अंतज़ूला कि वो ज़ाइल ना हो हिले ना अपनी जगह पे कायम रहे वाला इंजा लता और अगर वो अपनी जगह से ज़ाइल हो हिले ए, इन इन अमसा का हुमा मिन अहद मिन बादी ही तो अल्लाह के बाद उसको कोई नहीं रोक सकता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो फिर इस कायनात के इस निज़ाम को संभाल सकता है न काना का गफूरा हलीम बेशक अल्लाह ताला हलीम हैलीम है हलीम है मुआफ़ करने वाला है नरमी करने वाला है और मुआफ करने वाला है वह अक्सम जहदा ईमान लाइन जहा अहम अहदा ना अहदाम उमम और अल्लाह की ये कस्में उठाते थे जहदा ईमान पुख्ता कस्मे पहले ये मुशरकिन उठाया करते थे ला इन जागम्बर आ गया ला मिन तो ये कसम उठा के कहते थे हमारी तरफ अगर रब का कोई पैगम्बर आ गया तो हम एक ऐसी उम्मत बनेंगे जो पहली उम्मतों में से सबसे ज्यादा हिदायत पे चलने वाले हों यकुन अहदा ये ज्यादा जो है वो हिदायत वाले हो जाएंगे कबूल करने वाले किसी भी दूसरी एक, वो एक उम्मत से जब उनकी तरफ डराने वाला आया अल्लाह के नबी मोहम्मद वसल्लम की शक्ल में इल्ला नहीं ज्यादा हुए मगर नफरत में दूरी में बजाय इसके कि जब जो पहले कस्मे उठाया करते थे कि अब अल्लाह का पैगम्बर आ गया है तो हम मानने लग जाएँ मानने के बजाय नफरत में आगे बढ़ने लग गए इस्क मकर सयी असल में जमीन पे तकबर करते हुए कोई वजह नहीं थी कोई दलील नहीं था बल्कि तकबर करते हुए जमीन में वह मकर सै और बुरी तदबीरें करते हुए वाला यही मकर सै अली और बुरी तदबीरें बुरी चालें वो करने वालों को ही बर्बाद करती हैं जो बुरी चालें करते हैं वो ही उसी में बर्बाद होते हैं इल्ला अवलीन। ये पहले लोगों की तरह पहले लोगों की तरह दस्तूर और उसका इंतजार कर रहे हैं फलन तजद अली सुन्नत तब्दीला अल्लाह ताला की सुन्नत और तरीक़ा बदलता नहीं है कि अल्लाह जब पकड़ना चाहे नाफरमानों को तो पकड़ लेता है वलन तजद अली सुन्नत तहवीला और अल्लाह ताला की सुन्नत और अल्लाह का दस्तूर कभी मुंतकिल नहीं होता है अल्लाह ताला का दस्तूर और तरीका वही है वलन तज सुनत ही तहवीला अल्लाह ताला की सुन्नत में तब्दील नहीं है अल्लाह की सुन्नत में तहवील नहीं है बदलना नहीं है उल्ट नहीं होना है अवलम सीरो क्या ये जमीन पर चल के देखते नहीं है फयम जरू के फकाना आकबतल कबलिम ताकि ये देख लें कि इनसे पहले लोगों का अंजाम क्या हुआ व अशद मिनहुम कौा और वह इनसे कहीं ज़्यादा क़वत में थे वमा कान मिन अल्लाज़ा वला फिल अर्द और नहीं अल्लाह ताला को कोई चीज़ आजज कर सकती कोई चीज़ भी आसमानों में और ना ही कोई चीज़ ज़मीन में अलीमन नलीमकदीरा बेशक अल्लाह अलीम है बेशक अल्लाह तदीर है कोई चीज नहीं कि जो अल्लाह को आजिज कर सके आसमानों में और ना जमीन में इन ना अली आखिजुल्ला सबी माँ का सबो अगर अल्लाह ताला लोगों को पकड़ने पे आए उनके उन जुर्मों पे गुनाहों पे जो वो कर रहे हैं माँ तरह का रिहा तो जमीन पर कोई चलने वाला कोई जानदार भी बाकी ना बचे वाला अल्लाह ताला उन्हें एक मुक़र्र वक्त के लिए मोहलत देता है अल्लाह ताला उन्हें मर करता है एक, एक मुतय्यन वक्त है फिक्स टाइम है उसके लिए फाइजा जाम जब वो वक़्त आ जाएगा तो फिर ये कुछ नहीं कर सकेंगे फीन का ना बे इबादी ही बसीरा बस बेशक अल्लाह तंदों पर पूरी तरह देखने वाला है बसी है कोई चीज उससे मख्फी और पोशीदा नहीं है जब वो टाइम आएगा तो फिर ये कुछ नहीं कर सकेंगे होगा वो ही जो अल्लाह को मंसूर होगा यहाँ आके ये सूरत फातर पूरी हो जाती है सूरत फातर एक ऐसी सूरत है कि अगर किसी इंसान के नज़रियात अगर किसी इंसान के अक़ीदे की इस्लाह करनी है तो इस सूरत को पढ़ा दिया जाता है कि अल्लाह ताला के बारे में जो नज़रिया रखना है अल्लाह के बारे बारे में जो अक़ीदा रखना है वो इस सूरत में बहुत अंदाज से बयान किया गया है अल्लाह हमें इस सूरत को समझने की और अल्लाह तला इसके मुताबिक अपने नज़रियात और अक़दे बनाने की तोहफ़ी तरमाए और अल्लाह ताला उन लोगों में हमें शामिल करे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी किताब के लिए चुन लिया है तुम्हा और रसन अल من में इबादीना अल्लाह हमें उन लोगों में से बना दे जन्ना तो आदन नियत खुलू नहा जो हमेशा वाली जन्नत में दाखिल होंगे अल्लाह हमें अमल करने की तोफ़ी क़ता फ़रमाएँ आखर दावाना अनिलहमदिल्ला रबाल